अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरत से होंगे कोवैत में रह रहे सभी परदेसी भाइयों को लेकर कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है जी दोस्तों आपकी जानकारी की बता दें कि कोवैत मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया है कि कोवैत के अंदर घरेलू कामगारों की जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है अपडेट के अनुसार बताया गया है कि कोवैत में जो कोयती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके पास घरेलू काम करने के लिए वर्कर्स नहीं हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले ही जो फिलीपींस से वर्कर्स आ रहे थे घरेलू कामगार के लिए उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है और इसके अलावा अगर हम स्थोपिया की बात करें तो स्थोपिया से भी अभी भर्ती नहीं हो रही है उस द्वेश को भी अभी निलंबित में रखा गया है इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से महिलाओं को नहीं आने दिया जा रहा है इसके अलावा अगर आदमी आना चाहता है तो वो लोग आ सकते हैं इसके अलावा अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जो भर्ती है वो 2008 से ही निलंबित रखी हुई है इससे पहले आते थे 2008 के बाद से उनकी जो एंट्री है कोवैत के अंदर बिल्कुल भी बंद कर दी गई है इसके अलावा अगर हम नेपाल के लोगों की बात करें तो नेपाल के जो एंट्री है वो स्टार्ट है लेकिन उन लोगों को इंडिया और दुबई यानी कि वाया होने के वाया होकर आने की ज़रूरत है वो लोग डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं आ सकते हैं इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की भी जो भर्ती है उसे निलंबित रखा गया है वहाँ के भी जो वर्कर्स है वो खादिम वीजे पे कोवत में एंटर नहीं कर रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग श्रीलंका से कोत का सफ़र करना चाहते हैं खादिम वीजे पर सफ़र करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो एंट्री है वो स्टार्ट है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अगर आप लोग श्रीलंका से रहने वाले हैं अगर आप लोग कोवत में आना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं आपका जो वीज़ा है उसे स्टार्ट कर दिया गया है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कोयत के अंदर अभी घरेलू कामगारों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिल रही है अब मिनिस्ट्री द्वारा देखते हैं कि कब मीटिंग होती है कब इसके बारे में अनाउंसमेंट होता है किस किस देश के लिए जो वीज़ा है उसे ओपन किया जाता है अभी इसके बारे में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है इसके बारे में जैसे कोई ऐलान होता है हम ज़रूर से आपको अपडेट करेंगे इसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है और बताया गया है कि कोवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभियान चलाया जा रहा है उसको देखते हुए लगभग चवालीस उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है जहाँ दोस्तों आपकी जानकारी के बता दें कि कोवैत के अंदर हर एक क्षेत्र में सुरक्षा तैनाती रखी गई है इसी को देखते हुए कोवैत के अंदर रोज हर एक दिन छापेमारी की जा रही है और इलीगल लोगों को पकड़ करके कोत से डिपोर्ट किया जा रहा है तो दोस्तों अगर आप लोग कोवैत में रहते हैं अगर आप लोगों का एकामा नहीं लगा हुआ है तो आप लोगों को इस बात पर ख़ास करके गौर देने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप लोग एक बार पकड़ लिए जाते हो तो आप लोगों को कोई से फिंगर ब्लॉक करके डिपोर्ट कर दिया जाता है तो इस बात का आप लोगों को खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है तो दोस्तों ये जो कोत से बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही थी जिसे मैंने आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आयोग पसंद आइए तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर पे देख रहे हैं तो जरूर से फॉलो कर लें वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चलिए मित्र क्वेश्चन अपडेट है अब तक के लिए अल्लाह हाफ़ी